बजट है चारों चाहे आखिरी बजट ये होगा, यानी ये आखिरी बजट एकदम आखिरी नहीं कहना चाहिए, 5 साल के कार्यकाल का आखिरी जरूर है, लेकिन आपको पता ही है निश्चित रूप से हमारा विश्वास है कि अगले कार्यकाल में भी हम 5 बजट इसी प्रकार से पेश करेंगे। और हमारा बजट हमेशा जनहित का बजट रहता है, गरीब का कल्याण हो, किसान का कल्याण हो, और उस प्रकार से हमने अंत्योदय के नाते से हमारी जो एक नीति है, हमारा जो एक कमिटमेंट है कि समाज का जो गरीब वर्ग है, अंतिम वर्ग है, जिसको सुविधाएं कम है, उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले, इस प्रकार की मुख्यमंत्री का इंपॉर्टेंट फिगर आपने दिए हैं सर, इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने बताया कि एकदम जो हमने आंकड़े लिए हैं उसमें दोनों बातें हैं, विपक्ष के जो नेता ने उठाई दोनों ही गलत बातें हैं। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं को नौकरी ना मिल करके और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को मिल गई, 10वीं और 12वीं के लिए भी 10,000 से ऊपर नौकरी उनको मिली है, कोई लगभग 8,000 लोग ऐसे हैं जो 12वीं से ऊपर के हैं, तो इस नाते से कोई हायर कैप किसी भी नौकरी के लिए नहीं लगाई जा सकती। लोअर कैप लगाने का तो प्रावधान सब जगह है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन किसी नौकरी के लिए मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी ये कभी ना तय की जाती है। पाकिस्तान की बातें की जाती हैं वो हाउस को तो पता लगता ही लगता है, जनता को भी पता लगता है कि तथ्य की बातें की जा रही हैं। अब वहाँ जो कि विधानसभा में आकर के और केवल मीडिया के माध्यम से जनता को बतलाने के लिए कुछ भी कह दें उचित नहीं है, और मैं धन्यवाद करूंगा आप लोगों का कि आप लोगों ने भी जो सारे विषय हैं उनको ठीक से जनता को सामने रखा है, सबको दिखाया भी, अच्छा सबको बताएंगे। उन्होंने कहा कि बाजरे का जो रेट है, बाजरे की जो तय किया गया कैप 4 क्विंटल का पर एकड़ तय किया गया, हमने बताया आपको कि 8 एकड़ का तय किया, उसमें नहीं माने। आज हमने उन्हीं के जिले जिले में नाथोपुरी चौपटा की जो मंडी के अंदर बाजरे की खरीद हुई है जी, उदाहरण समेत बताया कि इन सब किसानों ने प्रति एकड़ 8 क्विंटल बाजरा बेचा है, उनके नाम से सभी बताया, इसलिए कोई चीज़ तथ्य से परे भी कभी अच्छे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हीं की हानि ज़्यादा होती है। आज ठीक है सदन में रहना चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष को लेकर किसी की मजबूरी हो, इसकी मजबूरी नहीं करता। आज आपने